जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है गुरु चांडाल योग। राजनीति में प्रवेश दिला सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। राहु वैसे तो काल सर्प कुंडली को दर्शाता है, लेकिन राहु के साथ यदि गुरु भी की युति हो जाए तो हम उसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। यदि कुंडली में गुरु चांडाल योग हो तो उसको राजनीति में प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित करता है। अब राजनीति में सफल कौन होगा, इन बिंदुओं पर मैं आपको चर्चा करता हूँ। गुरु चांडाल योग जन्म पत्रिका में तीसरा और नौवां, चतुर्थ और दसवां या पंचम या ग्यारहवां भाव में गुरु चांडाल योग बनता है, तो ऐसी स्थिति में वह जातक राजनीति में प्रवेश कर और सफल हो सकता है। जन्म पत्रिका में राजनीति विषय को देखने के लिए हमें लग्न चंद्रमा, चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव के स्वामी की मजबूत स्थिति को भी देखना होता है। चतुर्थ भाव जनता का भाव कहलाता है। जनता के दृष्टिकोण से यह भाव महत्वपूर्ण रखता है। जनता का सपोर्ट किससे मिलता है, जनता का समर्थन मिलता है पंचम भाव से, और दसम भाव राजनीति की तरफ प्रेरित करता है व्यक्ति को। अब गुरु चांडाल योग के लिए मैंने बताया है तो गुरु के इशारे पर ही राहु कार्य करता है। गुरु चांडाल योग में जब राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रति अंतरदशा चल रही है और उसमें यदि जातक, ऐसे जातक राजनीति में प्रवेश करे तो पूर्ण सफलता मिल सकती है, ऐसा मेरा दावा है। एक जातक की कुंडली में सामने आई थी तो उसका लग्न मिथुन लग्न की पत्रिका थी और मिथुन लग्न की पत्रिका के अनुसार केंद्र के सारे स्वामी, यानी कि मिथुन लग्न के सार पहला और चतुर्थ भाव का स्वामी होता है बुध, वो पंचम भाव में स्थित था, और केंद्र के स्वामी सप्तम और दसम भाव का स्वामी गुरु, वो भी त्रिकोण भाव यानी कि पंचम स्थान में बैठा हुआ था, और पंचम भाव का स्वामी शुक्र स्वगुरु होकर उस कुंडली में विराजित है। ऐसी स्थिति में मैंने अचानक उससे बोल दिया कि आपकी राजनीति में रुचि है और हो सकता आप सफल भी हों, मुझे जानकारी बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, मेरे राजनीति में रुचि तो है लेकिन मैं इसमें सफल नहीं हो पाया। अब इसमें सफल वह व्यक्ति क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे एक ही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को स्वर्ण की राजनीति में सफलता मिलती है। आगे मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव और दसम भाव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। जब ये कमजोर होंगे तो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। कालसर्प कुंडली के या नहीं सॉरी गुरु चांडाल की कुंडली के साथ साथ उसमें चंद्र कुंडली के अनुसार गुरु केंद्र में होना चाहिए। यदि केंद्र में स्थित होगा तो वह गज केसरी योग बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति जरूर उसमें सफल हो सकता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण योग भी होना चाहिए, यथा काहल योग, बुधादित्य योग, ये भी राजनीति में सफलता दिलाते हैं। तो आज का मेरा सब्जेक्ट या विषय यही है कि गुरु चांडाल योग को हमेशा गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसमें भी कुछ न कुछ सफलता के चिन्ह प्रतीत होते हैं। तो गुरु चांडाल के लिए सिर्फ यही शर्त है राजनीति में प्रवेश के लिए, तीसरा चौथा पांचवा भाव में या
नौवां दसवें ग्यारहवें भाव में गुरु चांडाल योग हो तो राजनीति में पूर्ण सफलता के चांस मिलते हैं। जय श्री।